मध्य प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता और मोहन सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ड्रग्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। विजयवर्गीय का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कैलाश विजयवर्गीय ड्रग्स का कनेक्शन राजस्थान से बता रहे हैं। दरअसल सोमवार को इंदौर में फ्लाईओवर के लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव भी इंदौर पहुँचे थे। इसी दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने उनसे कहा, इंदौर में नशे के कारोबार के तार राजस्थान के प्रतापगढ़ से जुड़े हैं। इस कारोबार के पीछे कौन लोग हैं उनके नाम भी मुझे पता है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पुलिस आरोपियों को भी गिरफ्तार कर रही है लेकिन उनकी मां को गिरफ्तार नहीं कर रही है। मेरे पास ड्रग्स बेचने वालों के नाम आ गए हैं, सब ड्रग्स प्रतापगढ़ से आते हैं। भोपाल से अधिकारियों को हस्तक्षेप करना होगा और राजस्थान की पुलिस से संपर्क करना होगा। यदि ड्रग्स से MP के युवाओं और प्रदेश को बचाना है तो ड्रग्स के खिलाड़ियों को जेल में डालना होगा। नौजवान नशे की ओर दौड़ रहे हैं, आपके निर्देश पर पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की। हमें संतोष है पर अभी संतुष्टि नहीं है। उसका कारण है कि चोर को तो पकड़ रहे हैं पर चोर की मां तक नहीं पहुंच रहे। मैं इस खुले मन से कह रहा हूं कि ये सब ड्रग्स वगैरह ये प्रतापगढ़ से आते हैं। मुख्यमंत्री जी, इसमें भोपाल के अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर राज्य की पुलिस, राजस्थान की पुलिस से संपर्क करके